बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन की टाइप्स और एडवांटेजेस की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम फंक्शन की मजीद डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, फंक्शन की एक डेफिनेशन तो आप जानते ही हैं कि फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड दैट इज यूज टू परफॉर्म सम टास्क। यानी फंक्शन एक ऐसी हिदायत का मजमुआ होता है जो कि किसी खास काम को परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन उस खास काम को फंक्शन परफॉर्म किस तरह करता है, इसके लिए ये इसकी सेकंड डेफिनेशन देखी। तो डियर फ्रेंड्स, फंक्शन इज बेसिकली अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टेक्स इनपुट्स, परफॉर्म्स सम कंप्यूटेशन एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। यानी फंक्शन के जरिए आप कोई खास टास्क परफॉर्म तो करवाते हैं, लेकिन उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन कुछ इनपुट्स लेता है, फिर उन इनपुट्स पर कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है और उस कंप्यूटेशन के रिजल्ट के तौर पर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। और ये किसी भी फंक्शन का सिंटैक्स देखिए, आप सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद फंक्शन नेम लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के अंदर सेट ऑफ पैरामीटर्स या ये कह लें कि सेट ऑफ इनपुट्स देंगे और आखिर में सेमीकोलन लगा देंगे। दोस्तों, यहाँ रिटर्न टाइप से मुराद है कि जो आउटपुट आपका फंक्शन प्रोड्यूस कर रहा होगा उसकी डेटा टाइप क्या होगी। आया वो कोई, जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो कोई इंटीजर वैल्यू होगी, कोई चार वैल्यू होगी या फिर कोई फ्लोट वैल्यू होगी। इसके बाद है फंक्शन नेम। दोस्तों, फंक्शन नेम, क्योंकि हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी फंक्शन नेम दे सकते हैं। और आखिर में पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में आप एक या फिर एक से ज्यादा इनपुट लिखेंगे जो कि आप अपने फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे। और याद रखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन को आप इनपुट प्रोवाइड करें, क्योंकि इनपुट के बगैर भी आपका फंक्शन कंप्यूटेशन को परफॉर्म कर सकता है और आउटपुट को रिटर्न कर सकता है, लेकिन फिर आपको रिटर्न टाइप में वॉइड का कीवर्ड यूज करना होगा। यानी दोस्तों, यहाँ ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई कि आप फंक्शन टेक्स इनपुट्स, परफॉर्म सम कंप्यूटेशन एंड रिटर्न्स आउटपुट्स। लेकिन दोस्तों, अगर आप फंक्शन के स्ट्रक्चर को देखें तो वो तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर वन इज फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। नंबर टू इज फंक्शन डेफिनेशन एंड नंबर थ्री इज फंक्शन कॉल। आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, दोस्तों फंक्शन डिक्लेरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप, means declaring the properties of a function to the compiler। यानी दोस्तों, function declaration को function prototype भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम दरअसल compiler को बताते हैं कि जो function हम बनाने जा रहे हैं उसकी properties क्या क्या होंगी। जिस तरह किसी भी variable को define करने से पहले हम उसको declare करते हैं, तो उस declaration के नतीजे में दरअसल हम compilers को उस वेरिएबल की प्रॉपर्टीज बता रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये तरीकेकार है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, तो यहाँ इस वेरिएबल ए की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, नेम ऑफ द वेरिएबल विच इज ए एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल विच इज इंटीजर। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, एक फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करना होता है, और इस डिक्लेरेशन के जरिए हम दरअसल कंपाइलर को बताते हैं कि हम एक कुछ टाइम बाद एक फंक्शन बनाएंगे जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कि फंक्शन नेम क्या होगा, उसके इनपुट्स क्या होंगे और उन इनपुट्स और आउटपुट्स की डेटा टाइप्स वगैरह क्या क्या होंगी, ताकि कंपाइलर पहले से रेडी हो जाए। इसीलिए इसको फंक्शन की प्रोटोटाइप भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये देखिए इस तरह से आप फंक्शन की प्रोटोटाइप को लिखते हैं, जहाँ ये लाइन कहलाती है फंक्शन प्रोटोटाइप या फिर फंक्शन डिक्लेरेशन, जो कि कंपाइलर को बताएगी कि आपके फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। जैसे दोस्तों, ये इंट से मुराद है रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, यानी यहाँ ये इंट कंपाइलर को बता रहा है कि जो फंक्शन आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी। ऐसे ही आप यहाँ तमाम तरह की डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फंक्शन कोई भी आउटपुट रिटर्न नहीं कर रहा तो फिर आप यहाँ इंट की जगह वॉइड का कीवर्ड यूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों, ये लिखा हुआ है एट, जो कि फंक्शन का नाम है। यानी यहाँ आप फंक्शन की रिटर्न टाइप के बाद फॉरन फंक्शन का नेम डिफाइन करते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में है पैरामीटर्स। यानी दोस्तों, यहाँ पैरामीटर्स से मुराद है इनपुट्स, कि कितने नंबर ऑफ इनपुट्स आप अपने फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे, और साथ के साथ आपको उन पैरामीटर्स की डेटा टाइप भी बतानी है। जैसे यहाँ
दो पैरामीटर्स हैं, पहले की डेटा टाइप है इंटीजर और दूसरे की डेटा टाइप है फ्लोट, और आखिर में पैरेंथेसिस को क्लोज करकर आप टर्मिनेटर लगा देंगे। याद रखिए दोस्तों, फंक्शन डिक्लेरेशन में हम आखिर में सेमीकोलन जरूर लगाते हैं। तो दोस्तों ये तमाम प्रॉपर्टीज आप सबसे पहले फंक्शन को बनाने से भी पहले कंपाइलर को बताते हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये इसका जनरल फॉर्मेट देखिए, यहाँ पर याद रखिए फंक्शन डिक्लेरेशन आप दो तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आप रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन नेम के बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर अगर आप अपने फंक्शन में कोई पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनकी टाइप लिखेंगे। और अगर दोस्तों अगर आप एक से ज्यादा पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं तो आप उनको सेमीकोलन से कॉमा से सेपरेट करेंगे, और उसके बाद पैरेंथेसिस को क्लोज करने के बाद सेमीकोलन लगा देंगे। जबकि दूसरा तरीका ये है कि आप रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे, और पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स की डेटा टाइप के साथ साथ उनका नेम भी लिख सकते हैं। और ये दोनों ही तरीके आपका कंपाइलर एक्सेप्ट करेगा, चाहे तो आप सिर्फ डेटा टाइप लिखें या फिर आप डेटा टाइप के साथ साथ उनका नेम भी लिखें। अब दोस्तों आइए एक प्रोग्राम की मदद से फंक्शन डिक्लेरेशन को मजीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके सामने एक प्रोग्राम मौजूद है जिसके अंदर हम दो नंबर्स को ऐड करवाने के लिए एक फंक्शन बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले याद रखिए जो फंक्शन का सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है फंक्शन को डिक्लेयर करना, जिसमें हम दरअसल कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि हम कुछ टाइम बाद एक फंक्शन बनाएंगे ऐड के नाम से, जिसकी ये तमाम प्रॉपर्टीज होंगी। और उन प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले फंक्शन की रिटर्न टाइप बताते हैं कि वो फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, जो आउटपुट वो रिटर्न करेगा उसकी डेटा टाइप क्या होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप इस फंक्शन की डिक्लेरेशन में देखें तो हमने रिटर्न टाइप इंट लिखी है। अब जब आप इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने पर जो आउटपुट आप रिटर्न करेंगे, यहाँ पर आप देखिए वो आउटपुट सी है, और वो सी जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप भी इंटीजर है, विच मीन्स कि आपने जो फंक्शन बनाया है उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होगी। ये आप पहले ही फंक्शन डिक्लेरेशन में कंपाइलर को बता देते हैं। उसके बाद आप फंक्शन का नेम बताते हैं, और नेम के बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर अगर आप फंक्शन को कोई इनपुट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो आप लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने किसी किस्म का कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। इसके बाद दोस्तों मेन के फंक्शन के अंदर हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, यानी ऐड के नाम के फंक्शन को कॉल किया है, और यहाँ पर हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया है। दोस्तों ये फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लें कि जो फंक्शन डिक्लेरेशन होती है और फंक्शन डेफिनेशन होती है ये तकरीबन एक जैसी होती है। यहाँ पर आपका कंपाइलर चेक करता है, क्रॉस चेक करता है कि आपके फंक्शन की रिटर्न टाइप जो आपने डिक्लेरेशन में डिफाइन की है वही जो है आपकी फंक्शन डेफिनेशन में भी होनी चाहिए। इसी तरह से नेम भी जो आपने डिक्लेरेशन में लिखा है वही आपका फंक्शन डेफिनेशन में भी होना चाहिए। और अगर आपने फंक्शन डिक्लेरेशन में कोई पैरामीटर नहीं पास करवाया तो आपकी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर भी कोई पैरामीटर नहीं होगा। और दोस्तों फंक्शन डिक्लेरेशन आप कहाँ करेंगे, याद रखिए आप सबसे पहले यानी अपने मेन फंक्शन से भी पहले आप अपने फंक्शन को, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, आप उसको सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे। दोस्तों अभी आप इस प्रोग्राम को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि हमने फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन अगले लेक्चर में जब हम इन दोनों पार्ट्स यानी फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन को पढ़ लेंगे तो फिर आपको इस पूरे प्रोग्राम को समझना निहायत ही आसान होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे इस लेक्चर का अख्तिताम हुआ जिसमें हमने सीखा कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। अगले लेक्चर में हम फंक्शन के मजीद पार्ट्स, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।